मुसन्निफ के हालाते से। मोहम्मद हुसैन आजाद मारूफ आलिम दीन और सहाफी मौलवी मोहम्मद बाकिर के बेटे थे। दिल्ली में पैदा हुए। 1857 की नाकाम जंगे आजादी के बाद आजाद के वालिद अंग्रेजों के हाथों मारे गए। घर बार लुट गया। तलाशी माश में दिल्ली छोड़ी। लखनऊ और हैदराबाद गए। फिर लाहौर पहुंचकर महकमा तालीम में 15 रुपए माहाना तनख्वाह पर मुलाजिम हो गए। हुकूमत पंजाब ने इनसे मुतअद्दिद नसाबी और दरसी किताबें लिखवाई। लाहौर में कायम अंजुमन पंजाब में लेक्चर और सेक्रेटरी रहे। आखिरी दिनों में गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में अरबी और फारसी के प्रोफेसर मुकर्रर किए गए। 1888 में दिमागी मर्ज शुरू हुआ जो मरते दम तक बाकी रहा। आजाद उर्दू के मुसाहिबे बेटा ईमान पढ़े बेटा। आजाद उर्दू के साहिब तर्ज नसर निगार हैं। वो अपने उसलूबे बयान के मुजद करने वाले या बनाने वाले मुजद भी हैं और खातिम भी। इनका तमसीली उसलूबे बयान उन्हें अपने अहद के अदीबों और नसर निगारों में मुनफरिद बनाता है। तखील आफरीनी पैकर तराशी तजसीम निगारी शरीयत और रंगीनी वाक्या निगारी नफ्सियाती हकीकत आरई और मुबालगा आरई उनके उसलूब की नुमाया खसूसियात हैं। उनका अंदाज बयान नसर का एक ऐसा खूबसूरत और दिलकश शाहकार है जिसने उनके बाद आने वाले अदीबों की अक्सरियत को मुतासर किया। खूबसूरत और दिल नशीन नसर के अलावा उनका एक बड़ा कारनामा उर्दू में जदीद तर्ज शायरी जिसकी इब्तदा अंजुमन पंजाब लाहौर के मुशायरों से हुई जिसके वो सेक्रेटरी थे। आज़ाद की तसानीफ में आबे हयात दरबार अकबरी निरंग ख्याल हिंद सखनत आने फारिस सखुंदाने फारिस बहुत मशहूर है। अपने उस्ताद इब्राहिम जोक का दीवान भी आज़ाद ने मुरतब किया। आज़ाद ने मौजूआती नज़में भी लिखी जो नज़में आज़ाद में शामिल हैं। मोहम्मद हुसैन आज़ाद के हालात ज़िंदगी हमने पढ़े। आगे है इनका लिखा हुआ सबक शायरों के लतीफ़े। चलें आमना आप पढ़ें ज़रा आगे। शायरों के लतीफ़े। एक दिन लखनऊ में मीर और मिर्ज़ा के कलाम पर दो शख्सों ने तकरार में तूल का मतलब होता है लंबा किया, बात तवील होती गई। दोनों ख्वाजा बासित के मुरीद थे, उन्हीं के पास गए और अर्ज की कि आप फरमाएं। उन्होंने कहा कि दोनों साहिब कमाल हैं, मगर फर्क इतना है कि मीर साहिब का कलाम आ है और मिर्जा साहिब का कलाम वाह है। निसार ने मीर साहिब का शौर पढ़ा। सरहाने मीर के आहिस्ता बोलो, अभी टक रोते रोते सो गया है। अभी टक रोते रोते सो गया है। फिर मिर्जा का शेर पढ़ा। सौदा की जो बाले पे हुआ शोरे क्यामत, खुद दाम अदब बोले अभी आंख लगी है। इनमें से एक शख्स जो मिर्जा की तरफदार थे वो मिर्जा के पास भी आए और सारा माजरा बयान किया। मिर्जा भी मीर साहिब के शेर को सुनकर मुस्कुराए और कहा, शेर तो मीर का है मगर दाद खवाई उनकी दादा की मालूम होती है। दादा की मालूम होती है। चले नेक्स्ट पढ़े आप नुमान। एक दिन सौदा मशायरे में बैठे थे, लोग अपनी अपनी गजलें पढ़ रहे थे। एक शरीफ जादे की 12-13 बरस की उम्र थी, उसने गजल पढ़ी मुतल था। शरीफ जादे की 12-13 बरस उम्र थी, उसने गजल पढ़ी मुतले था। दिल के फफोले जल उठे सीने के दिमाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। दाग से सीने के दाग से इस घर को
आग लग गई घर के चिराग से। चिराग से, ठीक है। गर्मी कलाम, गर्मी कलाम पर सौदा भी चौंक पड़े। पूछा ये मतलब किसने पढ़ा, लोगों ने कहा मतलब हजरत। ये मतलब किसने पढ़ा, लोगों ने कहा हजरत ये साहबजादा है। सौदा सौदा ने भी हजरत, बहुत तारीफ हाँ बेटा की। पढ़े, आपकी आवाज काट रही है। हजरत ये साहबजादा है, सौदा ने भी बहुत तारीफ की। बहुत मरतबा पढ़वाया, पढ़वाया और कहा कि मियाँ लड़के जो जवान पढ़वाया और कहा कि मियाँ लड़के जवान होते नजर कर नहीं आते। खुदा की कुदरत, उन्हीं दिनों में लड़का जलकर मर गया। एक दिन इंशाल्लाह खान जो रात की मुलाकात को आए, देखा तो सर झुकाए बैठे कुछ सोच रहे थे। उन्होंने पूछा कि किस फिक्र में बैठे हो। जरात ने कहा कि एक मसले ख्याल में आया है, चाहता हूँ कि मतले हो जाए। उन्होंने पूछा किस फिगर में बैठे चाहता हो। ठीक है बेटा, ठीक है, पढ़ते जाएं। हूँ कि मतले हो जाए। उन्होंने पूछा कि क्या है। जरात ने कहा खूब ये मसरे। मुतला नहीं होता, ये मतला होता है। गजल का जो पहला शेर होता है उसको मतला कहा जाता है, और गजल का आखिरी शेर जो होता है उसे मक्ता कहा जाता है। तो ये मतला है, मुतला नहीं है। वो मुतल्ला करें वो और है, जिसमें के वो इतला दी जाए। ये मतला है गजल का जो पहला शेर होता है। मतलब हो जाए। उन्होंने पूछा कि क्या है। जुरात ने कहा खूब मसरे है, मगर जब तक दूसरा मसरे ना होगा तब मिसरा ना तक होगा, मिसरा ना होगा तब तक ना सुनूंगा, नहीं तो तुम मिसरा आ लगा कर इसे भी छीन लोगे। सैयद इंसान ने बहुत इसरार किया, आखिर जुरात ने पढ़ दिया। इस जुल्फ पे फपती शबे दिजूर की सोजी। सैयदा इंसान ने फौरन कहा अंधे को अंधेरे अंधेरे में बहुत दूर की सूझी। जुरात हाँफ पड़े और अपनी लकड़ी उठाकर मारने को दौड़े। देर तक सीधना इंचा आगे आगे भागते फिरे और ये पीछे पीछे टटोलते फिरे। चले माँ उमेमा आगे पढ़े। था अगला लतीफा जो है, चौथा चौथा लतीफा पढ़े। एक मुशायरे में शेख इमाम बख्श नासुख ऐसे वक्त पहुंचे कि जलसा खत्म हो चुका था, मगर ख्वाजा हैदर अली आतिश वगैरह चंद शोरा भी अभी मौजूद थे। ये जाकर बैठे, ताजीम रस्मी और मिजाज कुर्सी के बाद कहा कि जनाब ख्वाजा साहब मुशायरा हो चुका। उन्होंने कहा कि सबको आपका इश्तियाक रहा। शेख साहब ने ये मतलब पढ़ा, जो खास है वो शरीके गिरवा आम नहीं, गरो शायर दानाए शरीके गरो आम गरो नहीं, ते शरीके गरो आम नहीं, शुमार दानाए तस्बीह में अमाम नहीं। चूंकि नाम भी इमाम बख्श था, इसलिए तमाम अहले जलसा ने नहायत तारीफ की। एक शागिर्द अक्सर बेरोजी की शिकायत से सफर का इरादा जाहिर किया करते थे, और ख्वाजा साहब हैदर अली आतिश अपनी आजाद मिजाजी से कहा करते थे कि मियाँ कहाँ जाओगे, दो घड़ी मिल बैठने को गनीमत समझो, और जो खुदा देता है उस पर सब्र करो। एक दिन वो आए और कहा कि हजरत रुखसत को आया हूँ। फरमाया खैर बाशद कहाँ। उन्होंने कहा कल बनारस को रुबाना हो जाऊंगा, कुछ फरमाइश हो तो फरमा दीजिए। आप हंस कर बोले इतना काम करना कि वहां के खुदा को जरा हमारा भी सलाम कह देना। वो हैरान होकर बोले कि हजरत यहाँ और वहां का खुदा जुदा है। ख्वाजा साहब ने कहा जब खुदा वहां यहाँ एक है तो फिर हमें क्यों छोड़ते हो। जिस तरह उसने वहां जाकर मांगोगे इसी तरह यहाँ मांगो, जो वहां देगा यहाँ भी देगा। इस बात ने उनके दिल पर ऐसा असर किया कि सफर का इरादा मौकूफ किया और खातिर हाथ जमी की से बैठ गया। एक दिन मामूली दरबार था। चले ईमान, नेक्स्ट लास्ट पढ़े, आप दो रह गए। एक दिन मामूली दरबार था, उस्ताद इब्राहिम जौक भी हाजिर थे। एक मुर्शद ज़ादे तशरीफ लाए, वो शायद किसी और मुर्शद ज़ादी या बेगमात में से किसी बेगम साहिब की तरफ से कुछ अर्ज लेकर आए थे। उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता बादशाह से कुछ कहा और रुखसत हुए। हकीम एहसनुल्लाह खान भी मौजूद थे। उन्होंने अर्ज की
साहिब आलम इस कदर जल्दी ये आना क्या था और तशरीफ ले जाना क्या था? साहिब आलम की जुबान से इस वक्त निकला कि अपनी खुशी से आए ना अपनी खुशी चले। बादशाह ने उस्ताद की तरफ देखकर फरमाया कि उस्ताद देखना क्या साफ मिसरा हुआ है। उस्ताद साहिब ने बेतवक्कुफ अर्ज की कि हजूर लाई हयात आए कजा ले चली चले अपनी खुशी से आए ना अपनी खुशी चले। मिर्जा गालिब की काते बरहान के बहुत शख्सों ने जवाब लिखे हैं और बहुत जुबान दराजियाँ की हैं। किसी ने कहा कि हजरत आपने फलां शख्स की किताब का जवाब ना लिखा। फरमाया भाई अगर कोई गधा तुम्हारे लात मारे तो तुम उसका क्या जवाब दोगे? ठीक है, ये हमने जो पढ़ा है सबक, ये आबे हयात जो है मौलाना मोहम्मद हुसैन आजाद की लिखी हुई किताब है, उनकी किताब में तसानीफ है आबे हयात, उसमें से ये शायरों के लतीफे यानी कि शायर के बारे में जो है मुसन्निफ का ख्याल है। शायर जो है मुआशरे के बड़े हसास तरीन अफराद होते हैं, वो बड़ी गहरी नजर रखते हैं मुआशरे में इर्द गिर्द के लोगों पर और उनकी हिस्से मजाक करने की आदत भी लोगों से आम लोगों से और होती है और उसमें एक अदद एक ना कोई बात में सबक भी मौजूद होता है, किसी को कहने के लिए कोई बात का मायने भी होता है और उनको जो है ना जो भी बात वो करते हैं वो अपने इस अंदाज में करते हैं शायरी के अंदाज में कि वो सबक आमोज होती है और किस तरह एक दूसरे को वो जुबानदानी के अंदाज में खूब तारीफ करते हैं एक दूसरे की शायर हजरात। तो इसमें मौलाना मोहम्मद हुसैन आजाद लिखते हैं कि एक दिन लखनऊ में मीर और मिर्जा, मीर तकी मीर और मिर्जा गालिब, ये इन दोनों के बारे में कहा गया, मीर और मिर्जा कहा है, मीर और मिर्जा के कलाम पर दो शख्सों ने तकरार में तूल खींचा। दो शख्सों ने बहस करते हुए, तकरार होती है बार बार कोई एक बात करना, तो बहस करते हुए बहुत उनकी लंबी हो गई, तूल खेंचा लंबी हो गई। दोनों जो थे ख्वाजा बासित थे, मुरीद थे, दोनों जो लोग थे इस बहस को करने वाले जो लोग थे वो दोनों ख्वाजा बासित भी एक शायर थे, उनके मानने वाले थे। उनके पास गए अपने यानी कि उनके पास ले गए अपनी शिकायत और कहा, अर्ज की और कहा कि आप फरमाएं। उन्होंने कहा कि भी दोनों साहिब कमाल। अब उन्होंने कहा कि बताएं इन दोनों में से कौन ज्यादा अच्छा है, शायद मीर है या मिर्जा है। उन्होंने क्या जवाब दिया कि दोनों साहिब कमाल, साहिब कमाल अपने अपने काम में महारत रखते हैं, बहुत कमाल रखते हैं, मगर क्या फर्क है इन दोनों में कि मीर साहब का कलाम आह है और मिर्जा साहब का कलाम वाह। आह से मुराद दर्द भरा दुख भरा है मीर का कलाम। मीर तकी मीर के हमने पिछले साल भी पढ़ी थी, 9th में भी नज़म, सॉरी आपने तो अभी नहीं पढ़ी, लेकिन हमने मीर की गजल कल मैंने पढ़ाई आपको, ख्वाब हस्ती अपनी ख्वाब किसी है, तो उसमें भी उनको ना उन्होंने अपने महबूब से बेरुखी का इजहार करते हुए तकलीफ का और दुख का इजहार किया। तो मीर का कलाम आह है और मिर्जा साहब का कलाम वाह है। मिर्जा जो है बहुत मजा और खुले अंदाज से अपनी जो भी शायरी करते हैं तो उनका कलाम वाह के तौर पर जाना जाता है और हर शख्स उनके लिए वाह वाह करता है। अब मिसाल में उन्होंने मीर साहब का शेर पढ़ा, पहली मिसाल में उन्होंने मीर तकी मीर का शेर पढ़ा और मीर तकी मीर का शेर था, सरहाने मीर के आहिस्ता बोलो अभी टुक रोते रोते सो गया है। अब मीर तकी मीर का कलाम में देखें दुख भरियर है, आ है, क्या है कि मीर सो गया है, उसके सरहाने जरा आहिस्ता आहिस्ता बोलो क्योंकि वो रोते रोते अभी अभी सोया है। टुक का मतलब तो मुसलसल रोते रोते, कि वो मुसलसल रोते रोते कहीं सो गया है, यानी कि मीर तकी मीर जो थे अपने दुखों में, जमाने के दुखों में, महबूब के दिए गए दुखों से इस तरह जख्मी थे कि वो जरा सा भी जो था वो सुकून उन्हें मिलता तो कहीं अब वो सो गया, तो मीर को तंग ना करो अभी वो थोड़े रोते रोते बहुत ज्यादा मुसलसल रोते, टुक का मतलब था मुसलसल रोते रोते वो सो गया है। अब मिर्जा जो था मिर्जा गालिब का शेर पढ़ा, पहले मीर का शेर पढ़ा फिर मिर्जा गालिब का पढ़ा, सौदा की जो बाली पे हुआ शोरे कयामत खुदामे अदब बोले अभी आंख लगी है। अब ये भी उसी तरह का ही शेर है, मिर्जा सौदा जो थे उनके सरहाने, बाली का मतलब होता है सरहाने, किसी
शख्स के सरहाने आपके हुआ क्या, शोर कयामत। कयामत का शोर क्या होता है कि बहुत अफरा तफरी मची होना हर तरफ। जब कयामत का मंजर होगा तो हर तरफ अफरा तफरी होगी, लोगों को अपनी अपनी पड़ी होगी, कोई कहीं भाग रहा होगा, मुर्दे कब्रों से निकलकर कहीं जा रहे होंगे, दुनिया तबाही के धाने पे आएगी। तो ये कयामत का मंजर उन्होंने कहा कि सौदा के सरहाने जब कयामत का शोर उठा, यानी कि बहुत ज्यादा भी शोर कर लो, तो खुदामे अदब उनके खादिम बोले अदब से, अभी इनकी आंख लगी है, शोर ना करो। यानी कि ये मजाक के अंदाज में उनका बताया शेर कि वो सोए हैं, और उनके जो है अंदाज में उनकी तारीफ के अंदाज क्या था कि सौदा की तारीफ करते हुए कहते हैं कि ये जो है इतनी गहरी नींद सोते हैं, बेफिक्र होकर सोते हैं कि जब उनके सरहाने शोर का क़यामत का शोर भी हो तो उनके गुलाम यही कहते हैं कि अभी शोर ना करो भी, अभी अभी आंख लगी है उनकी, उनको उठाना ना किसी तरह भी। ये सारी जो कहानी है, ये सबक जो है, ये सारा इनकी किताब में से छोटे 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 शायरों के बारे में ही, लताइफ के बारे में है, मज़ाह के बारे में। अब आगे उन्होंने कहा, इनमें से एक शख्स जो मिर्जा के तरफदार थे, वो मिर्जा के पास भी आए और सारा माजरा बयान किया। मिर्जा भी मीर साहब के शेर को सुनकर मुस्कुराए और कहा, शेर तो मीर का है मगर दाद ख्वाही उनकी दद्दा की मालूम होती है। दाद ख्वाही तारीफ करना, दाद देना, दद्दा दाया, जिसको वो पालने वाली को कहते हैं दाया, उसको कहा है कि शेर तो मीर ने ही लिखा है, लगता है उनकी दाया ने ये लिखा है कि टुक सराहाने रोते रोते सो गया है। अब ये दोनों इस चीज की तारीफ में कर रहे हैं। अगला है मीनिंग बताया, दाया, दाया पालने वाली नहीं होती, दाया दाई हलीमा थी ना हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पालने वाले, तो इनको दद्दा को भी दाई जो पालती है उसको कहा जाता है। एक दिन सौदा मुशायरे में बैठे थे, ये अब सौदा के बारे में हो रहा है, लोग अपनी अपनी गजलें पढ़ रहे थे। एक शरीफ जादे की 12-13 बरस की उम्र थी, एक बच्चा था जिसकी उम्र सिर्फ 12 या 13 साल थी, उसने गजल पढ़ी और उसका मतलब क्या था, दिल के फफूले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। यानी कि उसने शेर ये पढ़ा कि दिल के जो जख्म है वो सीने के दागों से ही जल पड़े हैं और घर को आग लग जाती है घर के चिराग से, यानी कि घर का ही कोई चिराग जल रहा हो तो उसी को, उसी के गिरने से घर में हर चीज को आग लग जाती है। गर्मी कलाम पर, गर्मी कलाम बहुत अच्छा और तेज कलाम जिसको कहते हैं कि बहुत चुपता हुआ और अच्छा कलाम था, इस पर सौदा चौंक उठे, हैरान हुए, पूछा ये मतला किसने पढ़ा। मतला मैंने बताया ना क्या कहते हैं इसको, शेर का, गजल का पहला शेर। तो पूछा ये मतला किसने पढ़ा, लोगों ने कहा हजरत ये साहबजादा है। सौदा ने भी बहुत तारीफ की, बहुत मर्तबा बढ़वाया और कहा, मियां लड़के जवान होते नजर नहीं आते, यानी कि वो उनको, उनकी इतनी गहरी नजर थी कि उन्हें लगा कि ये बच्चा इतना इतना बोझ नहीं सहार सकेगा शायरी का, और उन्होंने यही कहा कि मुझे लगता है कि तुम जवान होते नजर नहीं आते। और क्या हुआ, खुदा की कुदरत से कुछ ही अरसे बाद वो लड़का जो था जलकर मर गया, और वही जो उसने कहा था वो उसका कहा पूरा हुआ कि घर को लग गई आग घर के चिराग से, उस बच्चे के कहीं किसी तरह आग लगकर वो जलकर मर गया। एक दिन इंशाउल्लाह खान जुर्रत की मुलाकात को आए, ये भी शायर हैं सारे, इंशाउल्लाह खान भी और जुर्रत भी, ये आए किसी की मुलाकात को मिलने आए। देखा तो जुर्रत जो थे वो सर झुकाए बैठे थे, कुछ सोच रहे थे। उन्होंने पूछा किस फिक्र में बैठे हो, जुर्रत ने कहा एक मिसरा ख्याल में आया है, चाहता हूँ कि मतला हो जाए। अब वो कहते हैं कि मेरे जहन में एक मिसरा आया है और मैं ये चाहता हूँ किसी गजल का ये मतला बन जाए। उन्होंने पूछा कि क्या है, जुर्रत ने कहा खूब मिसरा है, जब तक दूसरा मिसरा ना होगा तब तक ना सुनाऊंगा, नहीं तो तुम मिसरा लगाकर इसे भी छीन लोगे। यानी कि शायरों में ये था कि अगर मेरे पास पूरा शेर हो जाए तो तब मैं सुनाऊंगा, और अगर मैंने अभी आपको ये सुना दिया तो ये आपने क्या करना है, जो इंशाउल्लाह खान ने, कि वो मेरा शेर लेकर आपने अपना बना लेना है, एक मिसरा जोड़ेंगे और उसको अपना बना लेंगे। हलीमा आप बहुत लेट आई हैं, क्यों बेटे, हलीमा हलीमा आप बेटे लेट क्यों आई हैं,
अच्छा जी, ये उन्होंने कहा कि जी मैंने तो मिसरा नहीं बोला, जब तक मुझे दूसरा मिसरा जहन में नहीं आएगा तब मैं बोलूंगा, नहीं तो तुमने अपना मिसरा लगा के ये शेर अपनी तरफ ले जाना है। इंशा ने बहुत इसरार किया, बहुत बार कहा कि भाई सुना दे, कोई बात नहीं मैं देखता हूँ क्या आपने लिखा है। तो वो फिर क्या कहा उन्होंने, जुर्रत ने पढ़ दिया, इस जुल्फ पे फपती शजे दी जूर की सूझी, यानी कि इस जुल्फ पे इन बालों पर क्या हुआ, अंधेरी रात का गुमान होने लगा, शबे दिजूर अंधेरी रात का गुमान होना, ठीक है, इस जुल्फ पे इन बातों पर इन बालों पर अंधेरी रात का गुमान होने लगा। अब सैयद इंशा ने फौरन कहा, अंधे को अंधेरे में बहुत दूर की सूझी, यानी के उसने कहा कि अंधेरी है, अंधेरी रात है, बालों की वजह से यूं लग रहा है जैसे कि अंधेरी रात हो गई हो। तो इंशा ने उस मिसरे को मुकम्मल किया, अंधे को अंधेरे में बहुत दूर की सूझी, अंधे को अंधेरे में बहुत दूर की सूझी, क्योंकि जो शख्स अंधा हो वो दूर की कौड़ी मिलाता है कि भाई अंधेरा ही है हर तरफ, बालों के साथ हो या कैसे हो। अब चूंकि जुर्रत हंस पड़े और अपनी लकड़ी उठाकर मारने को दौड़े, देर तक सैयद इंशा आगे आगे भागते फिरे और ये पीछे पीछे टटोलते फिरे। सैयद जो जुर्रत थे वो नाबीना थे, उनको नजर नहीं आता था, नाबीना भी लोग होते हैं ना, तो जुर्रत जो थे वो नाबीना थे। उन्होंने एक तो मजाक में उनको सुना भी दिया कि जी अंधे को अंधेरे में दूर की सूझी, कि अंधे हैं आप तो इसलिए आपने बड़ी दूर की अंधेरी ही सूझी बालों की। तो ये भी मजाक का अंदाज था कि शोखी में शरारत में अपने शायर हजरात के साथ मजाक करना, और क्या किया वो ये बात कहकर आगे आगे दौड़ पड़े और पीछे मिर्जा जो जुर्रत थे वो अपनी लाठी के साथ टटोलते फिरे, लाठी पकड़ी और उनको ढूंढने लगे कि मैं मारूं एक लाठी उसको। ये मजाक का अंदाज था उनका शोरा का। अगला है जी, एक मुशायरे में शेख इमाम बख्श नासिख ऐसे वक्त पहुंचे कि जलसा खत्म हो चुका था। ये भी शेख इमाम बख्श नासिख एक शायर हैं जो के कहते हैं कि एक मुशायरे में ऐसे वक्त पहुंचे जबकि जलसा खत्म हो चुका था मगर अभी ख्वाजा हैदर अली आतिश वगैरह चंद शोरा मौजूद थे। थोड़े से शायर हजरात जो के जिसमें ख्वाजा आतिश थे और दूसरे लोग थे वो अभी मौजूद थे, ये जाकर बैठे। ताजीमी रस्म और मिजाज कुर्सी के बाद, यानी कि अदब अदाब के बाद सलाम दुआ के बाद कहा कि जनाब ख्वाजा साहब मुशायरा शुरू हो चुका। उन्होंने कहा सबको आपका इश्तियाक रहा, इश्तियाक शौक रहा आपसे मिलने का, आप मुशायरा तो कब का शुरू हो चुका, तो सब आपका पूछते रहे आपने। जी अब्दुलरहमान आप बड़े दिनों बाद आए हैं, क्या बात है अब्दुलरहमान, और बड़ी लेट आए हैं क्लास में। ऐसे क्या बेटे आप लेट क्यों आए और बहुत दिनों बाद आए हैं, क्या बात है टीचर? वो जूम इंस्टॉल नहीं हो रहा था, पहले तो आपने अटेंड की थी क्लासेस। हलीमा बेटे आप भी बहुत दिनों बाद आई हैं, आपकी कितनी अटेंडेंस हुई है? एक पिछली में तो आप आई थी लेकिन इसमें नहीं आई हैं आप, तो उससे पिछली, और आज भी आप लेट आई हैं जी। उन्होंने कहा जी मुशायरा तो खत्म हो चुका और सब आपका पूछते रहे। शेख साहब ने क्या पढ़ा, मतला गजल का पहला शेर पढ़ा, जो खास है वो शरीक गिरोह आम नहीं, शुमार दाना तस्बी में इमाम नहीं। अब अपने उनका नाम जो था इमाम बख्श था, इसलिए तमाम अहले जलसा ने नहायत तारीफ की। अब तस्बी जो होती है उसके अंदर एक लंबा दाना होता है जो कि जिसको इमाम कहा जाता है, पता है ना आप लोगों को कि तस्बी के दाने छोटे होते हैं छोटे छोटे, लेकिन एक दाना लंबा होता है उसको एक ही कहा जाता है और उसको कहा जाता है इमाम। तो फौरन उन्होंने उसकी तारीफ में अपनी तारीफ में कि जी मैं तो एक खास शख्स हूँ, हर शख्स खास जो होता है आम लोगों में शामिल नहीं होता, दानों की तस्बीह में एक ही इमाम होता है ज्यादा नहीं होते। ये उन्होंने अपने तौर पर अपने आप को सबसे ज्यादा इज्जत वाला बनाया और लोग बहुत खुश हुए इस तरह की तारीफ सुनकर। एक शागिर्द अक्सर जो थे बेरोजगारी की वजह से, बेरोजगारी की वजह से खाली
रहने की वजह से उनके पास मुलाजमत नहीं थी, कोई बात नहीं थी, तो वो शिकायत से क्या किया, उन्होंने सफर का इरादा जाहिर किया और ख्वाजा साहब ख्वाजा हैदर अली आतिश अपनी आजाद मिजाजी से कहा करते थे, आजाद मिजाजी से खुले दिल से कहा करते थे कि भई मियां कहाँ जाओगे, दो घड़ी मिल बैठने को गनीमत समझो और जो खुदा देता है उस पर सब्र करो। उन्होंने कहा भाई तुम कहाँ जाओगे, दो तीन घड़ी जो मिलते हैं हम इस एक जगह पे इस शहर में, तो तुम इसी को ही अच्छा जानो, गनीमत जानो, और अल्लाह यहाँ तुम्हें जो कुछ देता है इस पर सब्र शुक्र करो, ज्यादा आगे बढ़ने की तुम ना तगो दो करो, तुम यहीं रहो और इस तरह तुम जाने को ना सोचो। एक दिन वो आए और कहा कि हजरत रुखसत को आया हूँ। आया एक दिन और कहने लगा जनाब मैं तो आपसे इजाजत लेने आया हूँ, रुखसत को आया हूँ, इजाजत लेने आया हूँ। फरमाया खैर बाशिद कहाँ, उन्होंने कहा भाई खैर है, खैर बाशिद खैर है, कहाँ जा रहे हो, उन्होंने कहा कल बनारस को रवाना होऊंगा। उन्होंने कहा जी मैं कल बनारस को जाने के लिए तैयार हूँ, आपको अगर कोई फरमाइश करनी हो तो मुझे बता दीजिए ताकि मैं वहां से आपके लिए ले आऊं। ख्वाजा हैदर अली आतिश हंसकर बोले इतना काम करना कि वहां के खुदा को जरा हमारा सलाम कह देना। उन्होंने कहा कि भाई बस मेरा इतना सा काम कर देना, उधर जो खुदा है जो अल्लाह ताला है उनको हमारा सलाम कह देना। वो बहुत हैरान हुआ और बोला हजरत यहाँ का और वहां का कोई खुदा जुदा जुदा है, यानी कि उन्होंने कहा कि हजरत यहाँ का खुदा और वहां का कोई खुदा अलहदा है। अब ख्वाजा साहब ने कहा कि जब खुदा वहां और यहाँ एक है तो फिर हमें क्यों छोड़ते हो। अब ख्वाजा साहब ने क्या कहा कि जब तुम्हें पता भी है कि अल्लाह ताला दोनों जगह मौजूद है, वो जहां भी तुम बैठे हो वहां रिस्क देने को तैयार है, देता है रिस्क, तो फिर तुम क्यों हमें छोड़कर जा रहे हो। जिस तरह उससे वहां जाकर मांगोगे उसी तरह यहाँ मांगो, जो वहां देगा यहाँ भी देगा, यानी कि जब जाके तुमने वहां रिस्क मांगना है तो जो अपना रब यहाँ भी बैठा हुआ है वही रब है, तो यहाँ बैठकर मांगो तो अल्लाह यहाँ भी देगा। इस बात ने उनके दिल पर ऐसा असर किया कि सफर का इरादा मौकूफ किया और खातिर जमी से बैठ गए। इस बात पर ने उनके दिल पर ऐसा असर किया कि सफर का इरादा छोड़ दिया, तरक किया, छोड़ दिया। मौकूफ का मतलब तो छोड़ देना, तरक कर देना, और खातिर जमी से बैठ गए, यानी कि इत्मीनान और सुकून से बैठ गए कि अब अल्लाह ताला मुझे यहाँ ही देगा। अगला है जी, एक दिन मामूली दरबार था, उस्ताद इब्राहिम जौक भी हाजिर थे। ये जिनका जिक्र कर रहे हैं ये सारे उस्ताद हैं, शायर हैं। एक दिन मामूली दरबार था, उस्ताद इब्राहिम जौक भी हाजिर थे, एक मुर्शिद ज़ादे तशरीफ लाए। बादशाह का बेटा एक आया, वो शायद किसी और मुर्शिद ज़ादी या बेगमात में से किसी बेगम साहब की तरफ से कुछ अर्ज लेकर आए थे। अब वो जो थे वो किसी मलका से या किसी बेगम में से कोई दरख्वास्त कोई अर्जी लेकर आए थे। उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता बादशाह से कुछ कहा, ये बादशाह बहादुर शाह जफर है, उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता बादशाह से कुछ कहा और रुख्सत हुए। उन्होंने बादशाह के कान में कुछ कहा आहिस्ता आहिस्ता और चले गए, रुख्सत हुए। हकीम एहसनुल्लाह खान भी वहां मौजूद थे, उन्होंने अर्ज की साहिब आलम, साहिब आलम कहा जाता है बादशाह सलामत से, इज्जत से, ये बादशाह सलामत इस कदर ये जल्दी आना और ये जाना क्या था। बादशाह सलामत की जुबान से इस वक्त निकला कि अपनी खुशी से आए ना अपनी खुशी चले। बादशाह ने उस्ताद की तरफ देखकर फरमाया उस्ताद देखना क्या साफ मिसरा है। उस्ताद साहब ने बेतवक्कुफ अर्ज की के हजूर, अब आगे उन्होंने एक मिसरा पढ़ा बादशाह ने, और उसका जो मिसरा था उस्ताद जौक ने कैसे मुकम्मल किया। लाई हयात आए कजा ले चली चले, जिंदगी लाई हयात, हयात कहते हैं जिंदगी को, जिंदगी जब हुई हमें दुनिया में ले आया गया और जब कजा आई तो हमें ले जाया गया। कजा मौत को कहते हैं, जिंदगी हुई तो हम दुनिया में आए और मौत हुई तो हम चले गए, हमें ले चले। ना अपनी खुशी से आते हैं और ना ही अपनी खुशी से जाते हैं, यानी कि इंसान के बारे में उन्होंने ये शेर मुकम्मल कर दिया कि जिंदगी जब होती है दुनिया में इंसान आता है और मौत आती है तो वो भी कोई नहीं रोक सकता, तो वो भी जी मौत का वक्त जब होता है वो भी मुकर्रर होता है तो वो भी दुनिया से ले जाती है,
ना हम अपनी खुशी से इस दुनिया में आते हैं और ना ही अपनी खुशी से इस दुनिया से जाते हैं। किसी का दिल नहीं करता जाने को दुनिया से। तो ये इसमें उन्होंने शेर पूरा कर दिया। अगला लास्ट है मिर्जा गालिब की, फाते बुरहान के बहुत शख्सों ने जवाब लिखे हैं। मिर्जा गालिब की लिखी हुई किताब है फाते बुरहान, इसका नाम है उनकी लिखी हुई किताब का। उसके जवाब में बहुत से लोगों ने कमेंट्स पास किए और बहुत सी जुबान दराजियां की, बहुत बुरे बुरे अल्फाज में भी उसको पुकारा। किसी ने कहा कि हजरत आपने फलां शख्स की किताब का जवाब ना लिखा, किसी ने कहा कि जी आपने फलां बंदे की किताब का कोई जवाब नहीं लिखा। फरमाया भाई अगर कोई गधा तुम्हारे लात मारे तो तुम उसका क्या जवाब दोगे? कहने लगा कि गधा कोई तुम्हें मार दे तो क्या तुम उसको जवाब दोगे, गधे को लात मारोगे? यानी कि बेवकूफ शख्स अगर कोई बात कह देता है तो बेवकूफ का जवाब देना भी बेवकूफी है। समझ आ गई है बेटा चैप्टर? यस। हाँ जी, मीनिंग्स लिखे हैं सबने? यस। ठीक है। ख्वाजा बासित ने मीर, एक्सरसाइज की तरफ आ जाए, ख्वाजा बासित ने मीर और मिर्जा के कलाम के बारे में क्या फरमाया था? हमने पढ़ा था ना पीछे, मिर्जा ख्वाजा बासित ने मीर और मिर्जा के कलाम के बारे में फरमाया कि दोनों साहिब कमाल हैं, मगर फर्क सिर्फ इतना है कि मीर का कलाम आह है और मिर्जा का कलाम वाह। शरीफ जादे की गजल सुनकर सौदा ने क्या कहा? शरीफ जादे की गजल सुनकर सौदा ने जो था उनकी बहुत तारीफ की और ये कहा कि मियां लड़के तुम जवान होते नजर नहीं आते, और इत्तफाक की बात वो कुछ अरसे बाद लड़का जलकर मर गया। सैयद इंशा की इसरार पर जुर्रत ने कौन सा मिसरा पढ़ा? इस जुल्फ पे शबे दीजूर की, इस जुल्फ पे खपती शबे दीजूर की सूजी, ये पढ़ा था उन्होंने। ख्वाजा साहब ने अपने उस शागिर्द से क्या कहा जो अक्सर बेरोजगारी की शिकायत से सफर का इरादा किया करते थे? क्या किया उनसे उन्होंने अपने शागिर्द से? ये क्या कहा? ये कहा था कि भाई वहां के खुदा को मेरा जवाब दे देना और मेरा उनको सलाम कहना, वहां के खुदा को मेरा सलाम कहना, और यही इन्होंने कहा था। साहिब आलम की जुबान से उस वक्त क्या निकला जब हकीम अहसनुल्लाह खान ने जल्दी से उनके आने और जाने पर इजहार ताज्जुब किया? उनकी जुबान से, साहिब आलम की जुबान से उस वक्त ये निकला जब मुर्शद जादे ने उनके जल्दी आने और जाने पर इजहार ताज्जुब किया, और उनकी जुबान से उस वक्त सिर्फ ये निकला कि अपनी खुशी से आए ना अपनी खुशी चले। इस दुनिया में इंसान ना अपनी खुशी से आता है और ना अपनी खुशी जाता है। शेर तो मीर का है मगर दाद ख्वाही उनकी दद्दा की मालूम होती है, ये ठीक है कि गलत है? ठीक है, ठीक है जी। सौदा ने बहुत तारीफ की और कहा कि मियां लड़के बहुत तवील उम्र पाओगे, गलत है जी। जुर्रत हंस पड़े और अपनी लकड़ी उठाकर मारने को दौड़े, सही है। सही है, लकड़ी उठाकर मारने को दौड़े थे ना, क्योंकि वो अंधे थे और लकड़ी के साथ चलते थे और उनको मारने के लिए उस पर पीछे पीछे उनके दौड़े। चूंकि नाम भी माम बख्श था इसलिए तमाम अहले जलसा खामोश रहे, गलत। गलत। हाँ जी, भाई अगर कोई गधा तुम्हारे लात मारे तो तुम उसका क्या जवाब दोगे? सही है, सही है। मीर और मिर्जा के कलाम पर तकरार करने वाले किसके मुरीद थे? ठीक है। इंशाअल्लाह खान जो थे एक दिन किसकी मुलाकात को आए थे? जुर्रत की। ये मिसरा इस जुल्फ पे फपती शबे दीजूर की सूजी किस शायर का है? जुर्रत का जी। फाते बुरहान के मुसन्निफ कौन है? गालिब, मिर्जा गालिब। मतन को मद्देनजर रखते हुए मुनासिब लफ्ज की मदद से खाली जगह पूर कर। एक दिन लखनऊ में डैश के कलाम पर दो शख्सों ने तकरार में तूल खींचा, मीर और मिर्जा। शाबाश। मीर साहब का कलाम डैश है और मिर्जा साहब का कलाम डैश है। मीर साहब का कलाम आह है और मिर्जा का कलाम वाह है। गर्मीय कलाम पर डैश भी चौंक पड़े, सौदा। डैश ने कहा एक मिसरा ख्याल में आया है, जुरत। ठीक है। जुरत फंस पड़े और डैश उठाकर मारने को दौड़े, लकड़ी। डैश को डैश में बहुत दूर की सूजी, अंधेरे, अंधे को अंधेरे में। ठीक है।
चूंकि नाम भी डैश था इसलिए तमाम अहले जलसा ने नहायत तारीफ की। एक शागिर्द अक्सर डैश की शिकायत से सफर का इरादा जाहिर कर दिया करते हैं। बेरोजगारी की वजह शिकायत से। एक दिन मामूली दरबार था, डैश भी हाजिर थे। इब्राहिम जोक। हाँ जी, उन्होंने डैश बादशाह से कुछ कहा और रुखसत हुए। आहिस्ता आहिस्ता। इन अल्फाज के मुतजाद अपनी किताब में लिखे। कमाल जवाल तरफ मुखालिफ तरफदार मुखालिफ गर्मी सर्दी मतला मक्ता खास आम बेरोजगारी रोजगारी। अगला लफ्ज है जी मुजक्कर अल्फाज अलग करें और मुअन्नस अल्फाज अलग करें। कलाम मुजक्कर है या मुअन्नस? मुजक्कर होता है। मुजक्कर कलाम पढ़ा जाता है। तकरार मुअन्नस है। तूल मुजक्कर तूल खेंचा आह मुअन्नस कयामत मुअन्नस शोर मुज़क्कर चिराग मुज़क्कर चिराग मुज़क्कर है। आप इन लफ्जों के ऊपर मीम वाओ लिखा करें मुअन्नस पर और मीम ज़े जो है ना वो मुज़क्कर के लिए लिखा करें ताकि आप